नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अंकल मैं भी क्लास में फर्स्ट आया। अरे वाह, ये अच्छा फर्स्ट सर्टिफिकेट लाए हो, वेरी गुड। ये तो ओरिजिनल ले आए, मैंने तो जीरोक्स बोली थी आपको मेरे बच्चे। 93.3%। वाह भाई वाह बेटा, क्या खाएगा बच्चे? अंकल स्प्रिंग रोल खाना है। अभी खिलाते हैं मेरे बच्चे। कोई भी बच्चा है, किसी भी क्लास का हो, अगर वो कोई डिग्री कर रहा है, मान लो कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, मान लो डॉक्टर बन रहा है वो या एडवोकेट बन रहा है, वो अगर फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट डिवीजन 60+ अगर उसके मार्क्स हैं, वो मेरी नज़रों में फर्स्ट है, वो फ्री में मेरे यहाँ पे एक आइटम खा सकता है। हाँ, यहाँ पे रिजल्ट दिखा के मिलता है फ्री में, और मैं बहुत बार आती हूँ जब भी मेरे को रिजल्ट मिलता है। बच्चा जब मेरे पास आएगा जीरोक्स लेके, उसे ये लगेगा कि मैं अपने दम पे खा रहा हूँ ये चीज, अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं लेके आया। हाँ, पिछली बार मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया था तो मैंने फ्री में ही खाया था। अंकल ने कहा कि आप रिजल्ट दिखाओ, आप भी खा सकते हैं। मैंने कहा मैं अंकल मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो मैं खा सकता हूँ। तो कह रहा हाँ हाँ, आप भी अपना सेमेस्टर का ला के दिखा सकते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार दुआ है, मैं हरियाणा रोहतक से बिलोंग करता हूँ। मैं दिल्ली आया तो प्रॉपर्टी का काम किया, प्रॉपर्टी के काम में थोड़ा रिसेशन आया तो फिर मैं फास्ट फूड लाइन में आ गया। मेरे घर में मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मैं बेटा, वो 8th में मुझे मोटिवेट करता है, पापा ये करो, पापा वो करो। तो मैं अकेला ही हूँ अर्निंग करने वाला। मैंने मोट कचौरी बेची, कड़ी चावल बेचे, राजमा चावल बेचे, 10 रुपये के कंसर्ट पे मैंने लगभग सारी चीज़ें 10 रुपये के कंसर्ट पे थी मेरे पास। हाँ, मैंने एक स्लोगन सा तैयार किया था, श्रीमान जी ध्यान की तरह 10 रुपये में स्वाद इधर है। इवन BMW वाला भी आता था तो वो भी 10 वाले पे ही हाथ रखता था, मैंने ये देखा। फिर कोविड आ गया, कोविड के दौरान वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी दोनों किडनी में स्टंट डले, दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ, और फिर उसके बाद किडनी में स्टोन आ गया, काफ़ी मतलब परेशानी है। फिर मुझे शॉप बेचनी पड़ गई, अल्टीमेटली काम बंद हो गया। मैं उस समय को याद नहीं करना चाह रहा था, तो फिर हम थोड़े टाइम के लिए दिल्ली छोड़ के रोहतक चले गए। फिर मेरे मदर वगैरह, ब्रदर वगैरह, भाभी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने हिम्मत दी, फाइनेंशली सपोर्ट की। फिर मेरे यहाँ दिल्ली में दोस्त हैं जिनकी दुकान के आगे मैं ये लगाता हूँ, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। मैंने मैट्रिक में पढ़ना छोड़ दिया था, पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी, बट हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे से ज़्यादा गुड़ा मजा ज़्यादा बढ़िया होता है। रिएक्शन बहुत बढ़िया होता है, बच्चे बड़े खुशी से दूर से भागते हुए आते हैं, अंकल अंकल मेरा रिपोर्ट कार्ड ये देखो, और वो खाते हैं तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो और आगे बोलते हैं माउथ पब्लिसिटी, इससे बड़ी तो कोई पब्लिसिटी होती नहीं। काफ़ी सारी आइट में वाइफ बना लेती है, कुछ आइट में मैं बना लेता हूँ, वो कहती हैं मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं कहता हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, तो जो ज़्यादा पर आ जाता है, कंपटीशन भी चलता रहता है, आज कौन कितना काम करेगा, तो चलता है। इस कंसेप्ट पे शुरू में तो कोई आया नहीं, फिर एक बच्ची आई अपना जीरोक्स लेके, उसने खाया, उसको अच्छा लगा, कि मैंने उसको बेटा अपने और फ्रेंड्स को बताना, उसने बताया। एक सिस्टम बनाया था, एक कैसे प्लेन पेपर लेके उस पर अपना ये बेटा इस पर फीडबैक दे दो, वो रिटर्न में आज भी है मेरे पास, कम से कम इतने सारे मेरे पास फीडबैक हैं। तो इंग्लिश में ऐसा ऐसा लिख जाता है, मुझे समझ में आता, कोई मुझे डैड लिख जाता है, कोई मुझे अंकल लिख जाता है, कोई मुझे मतलब कोई प्यारे पापा लिख जाता है, मतलब पता नहीं क्या क्या लिख जाते हैं, मतलब किसके हाथ में ज्यादा स्वाद है? ये तो कस्टमर ही बता सकता है, ये तो कस्टमर ही बता सकता है, उनके हाथ में ज्यादा स्वाद। अंकल अपने अलग मसाले डालते हैं, ग्रेवी अलग टेस्टी होती है और स्पाइसी होती है, तो इसलिए यहीं से लेते हैं।
और अंकल की एक अच्छी बात ये भी है कि जब यहाँ आओ आप खाने के साथ साथ इंजॉयमेंट भी अंकल गुनगुनाते बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं लगेगा आप किसी शॉप में, आप किसी एंटरटेनमेंट के साथ साथ खाने को भी इंजॉय करते हैं।